आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो पोर्शन रख लेते हैं, एक शिकवे का और एक वजाहत का। शिकवा आप लोगों से, सहाफ़ी हजरात से, मुझसे कहा था कि सहाफ़ी हजरात को कुछ कहिएगा नहीं। मैंने कहा ज़ाहिर है मेरे भाई हैं और हमेशा छोटे भाइयों की तरह और कुछ बुज़ुर्गों की तरह हमने लोगों से प्यार किया है, लेकिन मुझे दुख होता है कि बग़ैर तस्दीक के ख़बरें न सिर्फ पब्लिश हो जाती हैं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बड़े धमाकों के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ करके उसको नशर कर दिया जाता है। पहले मेरा छोटा भाइयों की तरह है वो राफे, उसको मैंने कहा कि यार मैं अगर सबके सामने नाम लेकर ये कहूँ कि राफे ने ये गलत खबर चलाई तो बुरी बात है। और राफे ने ये कहा कि आफाक अहमद से मेरी बात हुई है और आफाक अहमद ने ये शराइत रखी है। तो इस तरह की बेसरोपा बातें और नाम के साथ मंसूब करके बाज़ुकात ये होता है कि बावसूख ज़राए से ताकि मुबहिम बात रहे तो खप जाती है। मेरे नाम से कि आफाक अहमद से बात हुई है, मैंने कहा राफे मेरी तुम्हारी कब बात हुई और तुमने चला दी, और मैंने अगर इसकी वजाहत सब साथियों के सामने करूं तो बुरी बात है। कल मेरे पास मुख्तलिफ जगह से फ़ोन आए और उन्होंने बताया कि आफाक भाई ये ख़बर चल रही है कि आफाक अहमद और आमिर ख़ान की मुलाकात हुई है, उसमें कोई मर्जर की तरफ आप जा रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ से लांढी वालदा के घर चला गया था और जाने के बाद रात को लेट मुझे ये इत्तला मिली। अब तक पता नहीं आपके यहाँ से कौन अब तक को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप कर रहे हैं। तो अब तक टेलीविज़न के जो ब्यूरो चीफ़ हैं शहाब को मैंने फ़ोन किया और शहाब से मैंने कहा कि ये ख़बर चली है, तुमने इसकी तस्दीक की थी? कहने लगे हमारे रिपोर्टर ने दी और हमने चला दी। तो मैंने कहा यार तुम लोग सहाफ़त कर रहे हो, आप मुझे फ़ोन करके कंफर्म कर सकते थे चलाने से पहले, आपने ये ख़बर चला दी। तो उन्होंने बड़े यानी खुश मिजाजी का मुजाहरा करते हुए कहा कि आफाक भाई आप तरदीद कर दीजिए। तो मैंने नाराज़गी का इजहार करके कहा, मैंने कहा तुम लोग सहाफ़त कर रहे हो, तमाशा मत बनाओ, तुम लोग नैब का इदारा नहीं चला रहे कि तुम किसी पर इल्ज़ाम लगा दो और कहो कि आप साबित कीजिए कि आप बेगुनाह हैं। मैंने कहा सहाफ़त का जो ज़िम्मेदारी है, सहाफ़त के जो तरीक़ेकार हैं, जो उसूल हैं, उनको बर्बाद करके आप इस काबिल एहतराम या इस अहम प्रोफेशन को आप बदनाम मत कीजिए। यानी अभी मैं गजाली भाई से कह रहा था, गजाली भाई ने कहा बड़ा ऑनरेबल प्रोफेशन है। मैंने कहा बिल्कुल है, इसलिए कि आप लोगों को हकायक से आगाह करते हैं। आप किसी के आलाकार बन के अगर अफवाहों को फैलाकर और किसी का कोई मकसद पूरा करते हैं तो ये सहाफ़त नहीं है, ये तो आप यानी बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं इस अपने प्रोफेशन के साथ। तो मैंने शहाब से कहा, मैंने कहा तुम गलत कर रहे हो, तुमने ये ख़बर चलाई और तुमने ये ख़बर चलाने से पहले मुझे फ़ोन नहीं किया, तस्दीक कर सकते थे, आमिर से तस्दीक कर सकते थे। और अगर ये ख़बर चलाई है और अगर मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, तुम कहो कि आप तरदीद कर दीजिए, मैंने कहा तुम तरदीद करोगे और उसको करनी चाहिए थी, मुझे नहीं मालूम उसने की नहीं की। मैं आप लोगों से सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरा जो शिकवा है वो यही है कि देखिए, एक तो मैं मीडिया के साथ जिस तरह बाकी लोग इंटरेक्ट करते हैं मैं नहीं कर पाता, मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, मेरी कुछ कमज़ोरियाँ हैं। यानी मुझसे लोग कहते हैं कि आफाक भाई कैमरे के सामने बात कीजिए, बाज़ औक़ात होता है कि इंसान कैमरा शाय होता है, मैं नहीं कर पाता उस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हैंडल। मुझसे ज़ाहिर है कि फरमाइश होती है कि आफाक भाई टेलीफोन पे भी पढ़ देते हैं, मैं नहीं देता, उस पर मुझसे नाराज़गियाँ भी होती हैं। इस नाराज़गी का मकसद ये नहीं होता कि आप किसी के ख़िलाफ़ मतलब आपका रवैया जो है वो दुश्मनों वाला हो जाए, मतलब आप अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर रहिए,
अगर मैंने आपके साथ आपको वक्त नहीं दिया या मैं आपसे बात करना मैंने गुरेज किया तो आप मुझे कवर आइंदा नहीं करना चाहते मत कीजिए, इसलिए कि ये आपका हक है। लेकिन मेरे ख़िलाफ़ आप कोई गलत खबर चलाएं और आप चाहें कि अब आफाक रابطہ करेगा तो ये ब्लैकमेलिंग एटीट्यूड जो है ये इस प्रोफेशन के साथ ज़्यादती है। ये आपके एक एंकर हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आफाक भाई टाइम चाहिए। अच्छा, मैं क्योंकि कई लोगों को बहुत ही अपनी मजबूरी बता के माजरत कर चुका था तो मैंने उनसे भी माजरत कर ली। मैंने कहा कि देखो मैं अगर तुम्हें वक्त दूंगा तो मुझे बाकी लोगों को भी वक्त देना पड़ेगा। लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आफाक भाई कुछ वक्त दे दीजिए। उस शख्स ने यानी जो अल्फाज अदा किए, मतलब मैं खुश नहीं हूँ ये बात कहते हुए, कॉलेज के ज़माने में मैं भी बहुत बदतमीज़ आदमी था, मतलब शोहरत मेरी अच्छी नहीं थी। मैं इस तरह का उस लफ्ज़ के ऊपर जवाब दे सकता था कि सिर्फ वो नहीं पूरा ख़ानदान तिलमिला उठता, लेकिन ज़ाहिर है कि मैं खामोशी इख्तियार कर गया। उन्होंने बहुत ही यानी तजहीक आमेज़ अल्फाज अदा करके और कहा कि आफाक साहब जो है वो गायब हैं। तो ये जो रवैया है ये गैर मुनासिब है। अच्छा, आप सब, मैं तो इस बिरादरी से बहुत प्यार करता हूँ, मेरा राबता और रिश्ता जो है वो ज़ाहिर है इस तरह का कभी भी नहीं रहा कि मैं आप लोगों के साथ कोई ताल्लुक़ रखने में या राबता करने में कहीं रिलेक्टेंट महसूस करता हूँ अपने आप को। मैंने हमेशा बड़ा फ्रेंकली आप लोगों से डिस्कस किए। एक साहब को उन्होंने मांगा मुझसे वक्त तो मैंने उनको मना किया। खुदा की कसम उन्होंने मुझे कातिल, डकैत, पता नहीं क्या क्या उन्होंने टीवी पे ओपनली, और फिर उससे जब कहा कि भाई तुमने ये सब कुछ क्यों किया, कहने लगे मैंने इसलिए किया कि आफाक मुझे फ़ोन करेगा। ये सहाफ़त का इंतहाई निचले दर्जे पे जो लोग होते हैं वो ऐसी हरकत करते हैं। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि जो कुछ भी आप दीजिए, अगर मेरी खबर आप पब्लिश नहीं कर सकते, मेरी खबर अगर आप टेलीकास्ट नहीं कर सकते, मत कीजिए, आपके वो प्रेशर है, लेकिन मेरे मुतालिक कोई गलत खबर मत दीजिए, इसलिए कि मुझे दुख होता है, मेरे साथी डिस्टर्ब होते हैं और लोगों को गलत मैसेज जाता है। देखिए, अभी ये खबर जो प्लांट की गई वो खबर ये थी कि आफाक अहमद की आमिर खान से मुलाकात हुई और कराची की सियासत में, महाजिर सियासत में हलचल, और इससे जो है वो सियासी जो सूरत हाल है वो यकसर तब्दील हो जाएगी और आफाक अहमद और आमिर खान ने एक नुक्ते के ऊपर डिस्कस की है कि साहब क्या मुतहदा या महाजिर कौमी मूवमेंट MQM जितनी भी हैं, चाहे वो महाजिर कौमेंट के नाम पर हो चाहे वो मुतहदा के नाम पर हो, क्या वो एक क़यादत कर सकती हैं या एक तरह एक साथ काम कर सकती हैं वगैरह वगैरह, ये एक नुक्ते पर बात हुई। देखिए, मैं अब ये वजाहत वाला शुबा है, मेरी आमिर खान से कोई मुलाकात नहीं हुई और कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने पूरी कहानियां बता दी। मुख्तार आकिल सीनियर सहाफ़ी है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं यानी मुख्तार आकिल और इलियास शाकिर के साथ हमेशा मेरी मुशावती नशिस्तें रही हैं कि वो सीनियर हैं, मैं उनसे मुशावरत के लिए नशिस्तें करता रहा हूँ। उन्होंने जहमत नहीं की कि मुझे फ़ोन कर लेते, उन्होंने बाकायदा पूरा अखबार में एक स्टोरी लिख दी पूरी, और उस स्टोरी के अंदर उन्होंने वजाहतें की कि आफाक अहमद जो है वो अगर मिल जाएंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा, फारूक सत्तार इस तरह वो नज़रियाती सियासत करना चाह रहे हैं तो ऐसा हो जाएगा, और ये मुलाकात बड़ी अहम है और फलाँ है फलाँ है। यानी सारे लोगों के अल्फाज तकरीबन एक जैसे थे, सारे लोगों की स्टोरी एक जैसी थी। ये स्टोरी मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि प्लांट की गई थी, और उसकी वजह जो मेरी समझ में आती है वो ये है कि जो गुज़िश्ता इलेक्शन गुजरा है, बाय इलेक्शन जो आपका लास्ट संडे को गालिबन हुआ था 14 तारीख को, तो उसमें जो रिज़ल्ट्स आए हैं तो ज़ाहिर है वो बड़े एम्बेरसिंग हैं, कम से कम बादराबाद के लिए, और उसमें कारकुनान उनका मोराल नीचे गया है, और इस तरह की खबरें चलाकर ये अलावा इसके कि लोगों में होप बंधाना, अपने कारकुनान के अंदर उम्मीद पैदा करना कि देखो सब मिलने जा रहे हैं, और क्योंकि फारूक सत्तार साहब ने अभी इलेक्शन कमीशन में रिक्वेस्ट अपनी सबमिट की थी कि जनाब ये जो मेयर उसका कन्वीनियर का इंतखाब हुआ था गलत था, तो कन्वीनियर के इस इंतखाब को जो है वो कलदम करार दिया जाए, और फिर उन्होंने एक अलहदा जमात बनाकर सियासत करने की बात की थी, उससे भी कारकुनान के अंदर बड़ा डीमोरलाइजेशन था बहादराबाद में, और मुझे लोगों ने अप्रोच किया है, जिसकी वजह से मुझे लगता ये है कि ये स्टोरी प्लांट की गई कि साहब अगर एक साथ ही जा रहा है तो देखो इतने सारे लोग आ रहे हैं।
खुदा की कसम मेरा आमिर से कोई रब्ता नहीं हुआ। मैं आमिर से कई मरतबा, आमिर खान ज़ाहिर मेरे छोटे भाइयों की तरह है, और मैं अल्ताफ़ हुसैन की उस माजी की प्रैक्टिस को ज़ाहिर है कि मैं हमेशा रद्द करता रहा हूँ, और मैंने आज हमारे यहाँ से जो लोग गए उनसे भी मैं मिलता हूँ, और आमिर खान साहब मेरे पास से गए थे मैं उनसे मिलता हूँ। मैं कोर्ट में मेरी सेम डेट पे मुलाकात होती है तो हमारी जो है वो हम एक दूसरे की खैर खैरियत पूछते हैं, एक दूसरे के मुतालिक हम अच्छी बात करते हैं, सियासत पे हम बात नहीं करते। मेरी शादी ब्याह में कई जगह पर मुलाकात हुई है, आमिर खान से भी हुई है, फारूक सत्तार से भी हुई है, मेरे घर पर ये सब आते रहे हैं, आमिर खान भी आए हैं, वसीम अख्तर भी आए हैं, किशोर ज़ेरा भी आई हैं, सब लोग, और कोई सियासी मकासद नहीं, वैसे ही हम आपस में डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन सियासत के ऊपर हमारी कहीं कोई बात नहीं हुई। अच्छा, फिर मेरी एक तवील अरसे से कोर्ट की डेट के बाद आमिर खान से मुलाकात ही नहीं हुई, और जिस तरह उन्होंने वजाहत के साथ कि आमिर खान की मुलाकात में फलां शरीक था, फलां शरीक था, अब आप इसके यानी देखिए कितनी झूठी खबर है। रज़ा हुसैन का नाम है कि रज़ा हुसैन इस आफाक अहमद के साथ मुलाकात में शरीक थे, आमिर खान के साथ जब मुलाकात हुई, रज़ा हुसैन तो 10 तारीख को अमरीका चले गए, आज मेरे ख्याल 20 है 21 है 18, अब 18 तारीख है, 10 तारीख को वो चले गए, 3 दिन पहले मुलाकात हुई है। यानी ये जो सूरत हाल है ये तकलीफ देह है, और अगर ये सियासत के अंदर कहीं कोई माइलेज लेना चाहते थे, अगर कोई उन्होंने कोई पॉलिटिकल बेनिफिट उठाना था, तो कम से कम इस तरह मेरा नाम इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था। मैं बिल्कुल यानी एक मफाहमत भाईचारगी की फ़िज़ा चाहता हूँ इस शहर में। हमारे अपने अपने सियासी नज़रियात हैं, हम अपने नज़रिए पर कारबंद रहना चाहते हैं, वो अपने नज़रिए पर काम कर रहे हैं। मैं कभी भी सियासी इख्तलाफात को जो है वो पब्लिकली मैंने कभी उसको डिस्कस नहीं किया, लेकिन इस तरह की ख़बरों से दुख होता है। मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मुतहदा कौमी मूवमेंट के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ बन सकता है कि मैं मुतहदा, देखिए अल्ताफ हुसैन से ज़्यादा पॉपुलर ये लोग तो नहीं हैं, अल्ताफ हुसैन से ज़्यादा पावरफुल ये लोग तो नहीं हैं। मैंने अल्ताफ हुसैन से कभी मफाहमत नहीं की इस महाजिर लफ्ज़ के ऊपर। मैं मुझसे तवक्को की जाए कि साहब मैं आमिर खान साहब जो मेरे पास से गए मैं उनसे जाके इस मसले पर बात कर लूँगा, मतलब ये रिडिकुलस केयर मैं क्यों करूँगा, और ये खबरें चल रही हैं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ज़ाहिर है कि इस शहर के मफाद में, महाजर कौम के इज्तिमाई मफाद में, ज़ाहिर है हम एक किसी जगह पर भी इलेक्शन के मामलात के ऊपर, इस शहर के इज्तिमाई मफादात के लिए हम कहीं कोई जॉइंट एफर्ट्स कर सकते हैं, लेकिन कहीं कोई सियासी इत्तेहाद, कोई मर्जर, कोई इस किस्म की बात का तसव्वुर भी नहीं है किसी के जहन में। लेकिन ये तासुर देने की कोशिश सिर्फ इसलिए की जाती है कि वो ये बताएं कि देखिए हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं, यानी पहले फारूक सत्तार के हवाले से कह दीजिए, मैं मलिर में झगड़े हो रहे थे और उस झगड़े पर मैंने वाज़े तौर पर ये कहा था कि देखो आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराने की बजाय अपने बुज़ुर्गों को बीच में डालकर इस मामले को हल करो। मैं नहीं चाहता कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हों, मेरे लोगों से अगर कोई शिकायत है तो मुझे आकर बताओ, और अगर तुम्हें यहाँ आने में कोई मुश्किल है तो मैं 90 आ जाऊँगा, मुझे वहाँ बता दो कि मेरे कारकुनान से तुम्हें यह शिकायत है, मैं उसको दूर कर दूँगा। मेरा ये कहना इस तरह पब्लिश हुआ, इस तरह नशर हुआ कि आफाक अहमद 90 जाने के लिए तैयार हो गए, रास्ते में हैं, यहाँ पहुँच गए और यहाँ पहुँच गए और यहाँ पहुँच गए, मतलब हर चीज़ को सेंसेशनल बना दिया। रिजल्ट ये है कि लोग वेट कर रहे हैं कि मुतहदा ज्वाइन करने जा रहे हैं। मैं मुतहदा ज्वाइन करने की बात ही नहीं थी, उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि अगर कोई इख्तिलाफ है तो मेरे पास आ जाओ, मुझे बताओ, और अगर आप मेरे पास नहीं आ सकते मैं 90 आ जाऊँगा। जिस ज़माने में 90 ओपन था, जिस ज़माने में अल्ताफ ने मुर्दाबाद नहीं कहा था, फिर उसके बाद बहादराबाद ये सॉरी PIB के अंदर ये लोग बैठे थे, फारूक सत्तार वगैरह, तो राफे ने कह दिया आफाक अहमद से मेरी बात हो गई है, और आफाक अहमद ने ये कर दिया, आफाक अहमद से बात ही नहीं हुई। मैंने आज आपके सामने वजाहत कर दी, मुतहदा कौमी मूवमेंट महाजर कौमी मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है, मुतहदा से महाजर कौमी मूवमेंट नहीं बनी थी। अगर किसी को अपनी गलती का जिंदगी में कभी एहसास होगा वो महाजर कौमी मूवमेंट में आ सकता है, लेकिन महाजर कौमी मूवमेंट का आदमी अगर वहाँ जा रहा है या जाने की कोई बात की जाती है, वो कम से कम मेरी समझ से बालातर है। यानी मैं
अपनी उस जद्दोजहद को जो 1978 से लेकर अब तक महाजन नजरी के हवाले से की गई उसको मैं गलत साबित करूं मुत्तहदा ज्वाइन करके, ये मैं नहीं कर सकता। ये बात इसलिए मैंने वजाहत के साथ कर दी कि बार बार ये प्रोपेगेंडा और ये गलत फहमियाँ पैदा नहीं होनी चाहिए कि आफाक अहमद मुत्तहदा के पास जा रहा है या कभी मिलेगा या मिल सकता है, ये जा रहा है। बिल्कुल हमें एक दूसरे के साथ रابطے रखने चाहिए, मिलना चाहिए, ताकि हम इस कौम के लिए कुछ कर सकें, इस शहर के लिए कुछ कर सकें। देखिए सिर्फ ये मामला हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, और सहाफ़ियों से भी मेरी दरख्वास्त है कि देखिए इन चीज़ों को सेंसेशनल बनाकर आप कवर कर लेते हैं, इसलिए कि ये आपके लिए खबर होती है। खबर तो ये भी है कि इस शहर से महाजिर अवाम का वो दावा कि ये शहर मेरा है ख़त्म हो गया, और ये बातें मैंने जलसे में कही थी, इलेक्शन पूरी इलेक्शन कैंपेन में कही थी, और मैं खालिद आ रहा हूँ कि हाँ ताज़ियत के लिए गया हुआ था, वहाँ कुछ सहाफ़ियों से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा आफाक भाई ये रिज़ल्ट, मैंने कहा मुझसे क्या पूछते हो, उन लोगों से पूछो जो चार सीटों के बाद तालियां बजा रहे थे, उनसे पूछो कि अब इस रिज़ल्ट के बाद तालियां बजाओगे या बगलें, इसलिए कि पूरी कौम की ऐसी तैसी लग गई। इस महसूद ट्राइब के लोग जो आज यहाँ से मुंतखब हो गए, महसूद ट्राइब में जाने के बाद वहाँ के मुकामी आदमी के बगैर गली में वॉक नहीं कर सकते आप, उस ट्राइब का आदमी इस शहर में आके हमारा नुमाइंदा बन के असम्बली में चला गया, किसने वोट डाले? और मैं इलेक्शन के नतीजे के हवाले से पहले भी कह चुका, आज फिर कहता हूँ कि ये कह देना कि लोग तब्दीली चाहते थे इसलिए इमरान को वोट डाल दिया, खुदा की कसम मेरी मुत्तहदा के उसे तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा से मुलाकात हुई, मैंने उसको मुबारकबाद दी, मैंने कहा भाई मुबारक हो, तुमने तो कराची में मार्का कर दिया। कहने लगे आफाक भाई केमाड़ी की सीट के ऊपर हमारे झगड़े चल रहे थे, क्योंकि सिर्फ एक सीट हम अपनी पक्की समझ रहे थे कि ये हमारी, और हम उस सीट के ऊपर झगड़े थे कि इस सीट के ऊपर फलां लड़ेगा। कहने लगे हमें तो गुमान भी नहीं था कि कराची से हमें ये मैंडेट दिया जाएगा, और वो मैंडेट दिया गया है, और सिर्फ इसलिए दिया गया है कि ये खौफ था कि कराची में अगर महाजिर का ये क्लेम कमज़ोर नहीं होगा कि ये कराची महाजरों का शहर है तो कल नुकसान हो सकता है, उस खौफ की वजह से अल्ताफ के उस गलत इकदाम की वजह से ये रिजल्ट्स बनाए गए, ये इंजीनियर्ड थे। आज भी मैं पूछता हूँ कि तमाम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का तंजीमी स्ट्रक्चर, तमाम वर्कर, तमाम वसाइल, तमाम सलाहियतें एक सीट के ऊपर लगाने के बाद अगर वो एक सीट गुलशन इकबाल की जहाँ वो डोमिनेट करते थे नहीं निकाल सके, तो वो चार सीटें क्या उन्होंने अपनी सलाहियतों पे निकाली थी? सिर्फ वो सीटें दी गई थी ये साबित करने के लिए कि अल्ताफ के बाइकाट का कोई असर नहीं हुआ, और देखो भाई अल्ताफ से अलहदी के बाद भी ये सीट जीत गए। उस इम्प्रेशन को जाहिर करना था। नंबर दो, अगर 100% आप महाजन मैंडेट को वाइप आउट कर देते तो जाहिर है ये रिज़ल्ट जो इमरान के थे वो डाइजेस्ट नहीं हो सकते थे, कंडीशनली ये चार सीटें दी गई थी। रिज़ल्ट ये है कि पूरी तंजीम, पूरा बहादुराबाद का नेटवर्क, तमाम कारकुनान, तमाम वसाइल, तमाम सलाहियतें आपने झोंक दी लेकिन एक सीट नहीं निकाल सके। इसका मकसद है वो चार सीटें भी आपकी सलाहियतों पर या आपका जेन्युइन मैंडेट नहीं था, आपको दिया गया था। ये शहर का अगर मैंडेट छीना गया है तो इस रिज़ल्ट को तस्लीम कर लेना उन लोगों के साथ हुकूमत में शेयर करके इस शहर के साथ ज्यादती नहीं थी? अगर ये रिज़ल्ट या इस शहर का मैंडेट छीना गया था तो जिनको छीन के दिया गया था उनके साथ गवर्नमेंट में शरीक होने के बाद बजाय एहतजाज करते, ताकि इसको लेजिटिमेसी नहीं मिलती, आपने लेजिटिमाइज कर दिया उसके उस रिज़ल्ट को। इन तमाम ज्यादतियों के बाद मुझसे तवक्को रखी जाए कि मैं भादराबाद गलत राह पर चल रहा है, वो इज्तिमाई मफादात की बजाय मॉडर्न क्वार्टर का मामला है। मॉडर्न क्वार्टर के मामले के ऊपर हमारी मुत्तहदा की चार सीटों के ऊपर गवर्नमेंट टिकी हुई थी, सॉलिड कॉन्क्रीट डिसीजन आ सकता था कि कराची की 52% जमीन के ऊपर जो सरकार की जमीन है उसके ऊपर आके चार कीकर के खूंटे गाड़ के अपने बाप की मिल्कियत बना ली जाती है, उसको तुम वागुजार नहीं करा सकते तो इन महाजरों को कैसे तुम खाली करा सकते हो? आप कह सकते थे इनको मालिकाना हुकूक दो वरना हम गवर्नमेंट से अलग हो जाते। आपने अपनी कौम के लिए क्या किया? कोई रिजल्ट नहीं है। मॉडर्न क्वार्टर्स
आज तजब्जुब का शिकार हैं, उनके बच्चे उनके बूढ़े सब परेशान हैं कि किस वक्त उन्हें बिल्डोज करके उनके मकानों को उनके सरों से छतें छीन ली जाएंगी। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये ज़मीन कल आगा खान को दी जाएगी और उसके ऊपर गवर्नमेंट से बातचीत हो गई और मुत्तहदा ने अपनी कीमत वसूल की है उसके ऊपर खामोशी इख्तियार करने की। इन सारे हालात के ऊपर हमें दुख है, हमें इस पर संजीदगी से सारे लोगों को सोचना चाहिए। मैं अपनी कौम से कहता हूँ कि देखिए इस शहर को, ये शहर मेरा था हमारा था, इसे हमें ही बचाना है। हम इस शहर का कल्चर तब्दील होता हुआ देख रहे हैं, इस शहर के मफादात हमारे हाथ से जाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा था कि ये मुट्ठी में रेत की तरह ये शहर हमारे हाथ से निकल रहा है। आज वसीम अख्तर के पास कितने इख्तियार आते हैं सब जानते हैं। मैंने ये बातें पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की थी जो गुज़श्ता हमारी हुई हैं कि सारे के सारे वसाइल तो आपने सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए हैं। वसीम अख्तर तो तनख्वाहें देने के लिए उसके पास पैसे वक्त के ऊपर नहीं होते। जितने आपका यूनिवर्सिटी रोड बना या जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर लाड़काना और दादू से लाके अपॉइंट करके सिंध गवर्नमेंट बनाती है और वो पैसे सारे के सारे इसी शहर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पैसे होते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पैसा इस्तेमाल कौन कर रहा है? इस शहर में सब कुछ आपसे छीना गया है। इस शहर में बाहर से भर्ती करके और ऑन डेपुटेशन यहाँ लेकर आते हैं जबकि कानून नहीं है 1 से 14 ग्रेड तक आप किसी डिस्ट्रिक्ट के बाहर से किसी बंदे को लेकर आ जाएं, लेकिन जितना ट्रैफिक पुलिस आपको यहाँ नज़र आता है सादा लड़काना दादू में अपॉइंट करके ऑन डेपुटेशन यहाँ भेज दिया। कोई एहतजाज करने वाला है? मैं असम्बली में नहीं हूँ, मैं आपके ज़रिए अपना गुस्सा अपनी एहतजाज अपना मौक़िफ़ बयान कर सकता हूँ, इसके अलावा तो ज़ाहिर मैं नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग असम्बली में बैठे हैं क्या उन्होंने इस पर आवाज़ उठाई कि इस अरसे के अंदर कितने लोगों को महाजरों को आपने मुलाजमतें दे दी? ये सारे हालात तकलीफ दें। मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि मेरा मौक़िफ नहीं जा सकता, कहीं से दबाव हो सकता है, ज़ाहिर है कि इस शहर में कहाँ कहाँ से दबाव होता है उसका भी मुझे अंदाज़ा है, कहाँ कहाँ से फ़ोन आते हैं कवरेज और कवरेज को किल करने के लिए वो भी मुझे पता है, नहीं करो कवरेज, लेकिन मेरे लिए झूठी खबर कम अज़ कम न चलाएं। मैं आपका बड़ा ममनून रहूँगा कि भाई मेरे मुतालिक कोई बात ऐसी ना करें जो मुझसे मंसूब हो लेकिन उसका कोई सर पैर ना हो। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं किसी से मिला हूँ, ना मेरा कोई साथी वहाँ पे उनके साथ कोई कमिटमेंट करके आ गया। रजा भाई 10 तारीख से अमेरिका जा चुके हैं, वो 3 दिन पहले मुलाकात में मेरे साथ शरीक थे। मतलब अजीब बेतुकी चीज़ें, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? अब ये अगले इतवार को फिर इलेक्शन है, उस इलेक्शन से पहले अवाम में आप फिर दोबारा से लोगों को धोखा देकर ये उम्मीद जगाना चाहते हैं कि देखिए हमारे पास तो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, उनके पास से लोग जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ उनका कारकुन बद्दिल है कि भाई आप अपनी आवाम के लिए कुछ कर नहीं रहे, आपस में पैसों की तकसीम पर झगड़े हैं। फारूक सत्तार ने किस बात पर एहतजाज किया है कि जो वसाइल हैं उसको ऑडिट कराया जाए? वो वसाइल जनरेट कहाँ से हुए थे? ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर को वोट डाला है ना, तरीन घोड़ों की तरह सबको खरीदता फिर रहा था, तो जो पैसे आए उसका हिसाब मांगा है ना। हम करप्शन के ऊपर पूरे पाकिस्तान में कैंपेन लॉन्च किए गए। मैं आप लोगों के ज़रिए एक बात कहना चाहता हूँ, राजा साहब ये जो पॉलिटिकल सिस्टम को हम करप्ट साबित करने की तकादों में लगे हुए हैं ये बहुत बुरा अमल है। देखिए अल्ताफ की गिरफ्तारी हुई इंग्लैंड में, जब तक कन्विक्ट नहीं होगा वो शख्स अल्ताफ का नाम स्कॉटलैंड यार्ड नहीं लेगी। उन्होंने कहा इतने साल का एक शख्स उसको हिरासत में लिया गया, नाम नहीं लिया। यहाँ आदमी को गिरफ्तार करने के बाद कैरेक्टर एसोसिएशन शुरू हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा करप्शन के खिलाफ तहकीकात नहीं होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि करप्शन के खिलाफ इकदाम नहीं होने चाहिए, हर करप्ट आदमी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए चाहे वो किसी इदारे से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो किसी शोबे से ताल्लुक रखता हो, तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन इतना खतरनाक अमल है जो इस वक्त हो रहा है कि तमाम पॉलिटिकल सिस्टम को करप्ट साबित करने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद कौन बचेगा ये सब जानते हैं। इस पूरे सिस्टम को करप्ट साबित करने की कोशिश की जा रही है और ये मेरा खदशा है कि इमरान भी ज़्यादा अरसे इस सिस्टम को लेके चल नहीं सकते और इमरान के फेलियर के बाद ये कहा जाएगा कि तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए, तमाम लोगों को आजमा लिया और इस सिस्टम में कोई गुंजाइश नहीं है, ये इस मुल्क के लिए ख़तरनाक होगा। मैंने हमेशा कहा, आज फिर कहता हूँ, मुझे इलेक्शन के नताइज
अगर इंजीनियर ना हो, अगर उसमें जो जिस तरह लोग कहते हैं फरिश्तों की इन्वॉल्वमेंट, ज़ाहिर जिब्राइल अमीन को सातवें आसमान से आगे रिजल्ट नहीं बना रहे, ज़ाहिर ज़मीन पर रहने वाले फरिश्तों ने सारी तब्दीलियाँ की हैं ना, तो इस शहर में, इस मुल्क में अगर इलेक्शन के नतीज को तब्दील ना किया जाए और अवाम के अंदर सिर्फ अवेयरनेस पैदा की जाए कि भाई ये करप्शन हुआ है, ये गलत लोग हैं, ये गलत लोग हैं, और अवाम उन लोगों का एहतसाब करे। आज अगर आप ये कह देते हैं कि तब्दील की ख्वाहिश में इमरान को वोट पड़ा, तो ज़ाहिर है कि करप्शन के ख़िलाफ़ भी वोट पड़ सकता है, गलत इकदाम के ख़िलाफ़ भी वोट पड़ सकता है। इस जमहूरी अमल को कंटिन्यू करके एहतसाब का ज़रिया, इस इंतखाब को अगर आप बना लेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन अगर अपने तौर पर एक शख्स कोई फैसला करेगा कि जो मैं सोच रहा हूँ वो दुरुस्त है, तो ये मुल्क तबाही के दहाने पे पहले पहुँच चुका, मज़ीद दलदल में धंसता चला जाएगा। ये ख़तरनाक अमल है। हम इस सारे हालात से परेशान हैं। हम ये चाहते हैं कि तमाम जमहूरी अमल को कंटिन्यू होना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए, और ये इंतखाबी नतीजे जो कराची के हैं उसको मैंने पहले भी कहा था कि हम तस्लीम नहीं करते, आज भी हमने कहा कि हम तस्लीम नहीं करते, और हम कतई तौर पर इस शहर के हालात से मुतमईन नहीं हैं। मैं तमाम, चाहे वो आमिर खान साहब हों, चाहे फारूक सत्तार साहब हों, चाहे मुस्तफ़ा कमाल साहब हों, चाहे वो सलीम हैदर साहब हों, हम सबको हमेशा ये कहते रहें, बैठो टेबल पर, इस कराची के मामलात को हल करने के लिए कोई मुत्तफ़िका हिकमत अमली बनाओ, बजाय इसके कि हम वो क्या कहते हैं आप पॉइंट स्कोरिंग के साहब, ये मेरे पास आ गया, मैंने फलां की विकेट गिरा दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये सियासी तरीक़ा नहीं है। हमें तमाम लोगों की हैसियत को तस्लीम करते हुए सबको साथ बिठा कर कोई मुश्तरका हिकमत अमली बनानी चाहिए इस शहर के मफादात के लिए। उसके लिए मैं जो इनिशिएटिव लेगा, मैं, मुझे कहेंगे तो मैं सबको दावत दे दूंगा, अगर मुझसे मेरे पास कोई पहुंचने के लिए तैयार है। आमिर खान साहब इनिशिएटिव ले सकते हैं, आमिर खान साहब ले लें, लेकिन ये सब चीज़ें बेकार की हैं कि फ़लाँ मेरे पास आ रहा है, ज्वाइन कर रहा है, फ़लाँ फ़लाँ के पास जा रहा है, फ़लाँ की विकेट गिरा दी, इससे कोई हासिल उसूल नहीं है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ तशरीफ़ लाने का, और आपसे फिर आखिर में दरख्वास्त करता हूँ कि कवरेज ना हो उसका मुझे कभी गम नहीं रहा, और मैंने कभी किसी को फ़ोन करके इंसिस्ट भी नहीं किया है, ये सब गवाह हैं कि भाई मेरी कवरेज क्यों नहीं हुई, मुझे इस बात की कभी परवाह नहीं रहती। लेकिन मेरी ये दरख्वास्त ज़रूर है, कवरेज ना हो लेकिन मेरे ख़िलाफ़ झूठी खबर नहीं चलाएं। मुझे दुख होता है, मुझे तकलीफ़ होती है, मेरे साथी परेशान होते हैं। आप सबका शुक्रिया। एक बंदा महसूस 35,000 वोट लेता है, एमकेएम 15,000 वोट लेती है, तो क्या इसके लिए कोई आपके पास ऐसी हिकमत अमली है कि महाजनों को क्या मस्जिद तनजुली में जाएंगे, या कोई हिकमत अमली ऐसी होगी कुछ एक कर लेंगे? देखिए, मैंने आपसे जो बात कही ना कि हम अपने एक दूसरे की हैसियत को तस्लीम करते हुए, मेरा रवैया अब तक का ये रहा है, मेरे पास ज़ाहिर है जो लोग आए मैं उनके साथ बैठ के बड़ा फ्रेंकली मैंने डिस्कस किए तमाम हालात पे। आप देखिए, फारूक सत्तार साहब के बारे में मुझे पता चला कि फारूक सत्तार साहब तहरीक इंसाफ के अंदर जाना चाहते हैं, मैंने रजा भाई को भेजा और मैंने रजा भाई से कहा कि जाके फारूक सत्तार साहब को मेरा पैगाम दीजिए कि जहाँ हैं वहाँ रहें, और अगर कहीं आपको कहीं कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता तो भाई आप सियासत करना चाहते हैं तो मैं मतलब आपको ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पास आ जाइए, लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे तो तहरीक इंसाफ में खुदा के वास्ते मत जाइएगा, इसलिए कि आपकी जितनी जद्दोजहद है वो सारी आप मट्टी में मिलाने के बाद कहीं जाएंगे और वहाँ जाने के बाद गुम हो जाएंगे, इसलिए कि वो भी एक लसानी जमात है, उसने कौन सा कौमी धारे की सियासत करनी, मुझे बता दीजिए। कराची के अंदर जमा हों, महसूद हों, या जितने भी लोग हों, कौन सा उन्होंने यहाँ से ले लिया? और अगर आप कहें कि साहब उन्होंने आरिफ अलवी को और इसको इमरान इस्माइल को ले लिया, ये तो सेरेमोनियल पोस्ट हैं। क्या इस शहर से लोग उनके पास मैसर नहीं आए? उन्होंने इसी शहर से पठानों का ही इंतखाब करना था, तो वो भी खुद एक लसानी जमात है। मैंने कहा कि भाई आप क्यों वो कैमोफ्लैज करके लसानियत के ऊपर काम कर रहे हैं, और आप जो है वो खुलेआम कर रहे हैं, तो आप कीजिए खुलेआम, आप वहाँ मत जाइएगा। मैंने उनको पैगाम दिया, तो मेरा हर एक के साथ रबता बड़ा फराग दिलाना रहा है, मैंने कहीं कोई डिप्लोमेसी नहीं की। मैं आज भी आपके सामने कहता हूं कि देखिए, इस शहर के मसाइल के हल के लिए हम अपनी अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हुए, अपने हैसियत को बरकरार रखते हुए हम बैठ सकते हैं और हमें बैठना चाहिए, और बैठकर हम कोई मुश्तरका हिकमत अमली बनाएं। और सबसे पहले ये कि देखिए, आपको अपने बुज़ुर्गों को एहतराम देना पड़ेगा, हमने अपने बुज़ुर्गों का लिहाज करना ख़त्म कर दिया।
جس وقت یہ عامر خان اور فاروق ستار وغیرہ کے جھگڑے چل رہے تھے تو طالب جوہری صاحب بیچارے فون کر کر کے تھک گئے, انہوں نے فون اٹینڈ نہیں کیا. بزرگوں کا احترام کریں گے تو بزرگ بیٹھ کے آپس میں کوئی جو نفرتیں انہیں کم کر سکتے ہیں. نہیں دیکھیے, جنوبی سندھ صوبے کا مطالبہ بالکل ہم نے تحریک کا آغاز کیا تھا اور بہت لمبی کیمپین ہم نے چلائی تھی, ہم نے لاکھوں دستخط کرائے تھے اور اس کو ہم دوبارہ اسی مقام پر لے کے جانا چاہتے ہیں. اس میں اگر فاروق ستار صاحب کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے کہیں آواز اٹھائی ہے تو ظاہر ہے ہم ان کے شکر گزار ہیں اور انہوں نے ایک اچھا اقدام کیا اور میرے خیال ہے سب کو سپورٹ کرنی چاہیے. لیکن وہ الیکشن کے بعد اس کو اس شدت کے ساتھ نہیں کہہ رہے, یہ بہرحال ان سے ہم شکوہ کر سکتے ہیں, کریں گے, کہہ دیں گے بھائی کہ بھی اس کو کنٹینیو کرو. اور دوسرا صوبہ بنانے والا جو معاملہ ہے, دیکھیے صوبہ ظاہر ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن میں پروویژنز ہیں اس میں تو بڑا لوہے کے چنے چبانے والی بات ہے, اس لیے کہ پہلے تو آپ صوبائی اسمبلی سے اکثریت سے قبول کروائیے 2/3 میجورٹی کے ساتھ علیحدہ صوبے کی تحریک کو, پھر اس کے بعد آپ نیشنل اسمبلی میں بھیجیں گے. تو یہاں پر جو ہمارے حقوق غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اکثریت کی بنیاد پر, ان سے ہم علیحدہ صوبے کی بات کریں گے تو وہ ہمیں 2/3 میجورٹی سے وہ قرارداد تو پاس نہیں کرنے دیں گے. تو ہمیں ظاہر ہے کہ دوسرے آپشنز تلاش کرنے پڑیں گے, اس لیے کہ وفاق اگر پورے پاکستان میں نئے صوبوں کے قیام کی کوئی قانون سازی کرتا ہے اور صوبوں کو تقسیم کر کے انتظامی یونٹس میں تبدیل کرتا ہے تو اس میں ہم اپنے اس آپشنز کو نئے صوبوں کے, اس میں ہم جنوبی سندھ صوبے کے اوپر کوئی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. ہاں جی, کس نے کہا؟ میں کہیں اور بیٹھ جاؤں گا, لیکن بات یہ ہے کہ میرا کوئی ایسا نہیں کہ وہ میرے پاس یہاں گھر پہ, بات یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ مہاجر قومی موومنٹ سے نکلی تھی. میرا اختلاف الطاف حسین سے بھی صرف یہی تھا کہ بھائی جب تک میری قوم کے مسئلے حل نہیں ہوئے تم قومی دھارے کی سیاست کرنے جا رہے ہو, میں نہیں مانتا. تو آج بھی اگر وہ متحدہ قومی موومنٹ بنا, اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم مہاجر قومی موومنٹ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, چلو میں بھادر آباد چلا جاؤں گا, بس کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. کوئی آج سے 20 سال پہلے کس نے کہا آپ سے؟ نہیں ہے, نہیں ہے. میری ابھی دیکھیے میری روزانہ بات ہوتی ہے, کامران رضوی گئے, کامران رضوی تو آئے متحدہ سے تھے. مجھے کیوں کہہ رہے ہیں متحدہ سے آئے؟ وہ متحدہ قومی موومنٹ سے آئے تھے کامران رضوی میرے جیل سے ریلیز ہونے کے بعد. میں تو کبھی متحدہ قومنٹ کا حصہ نہیں رہا غزالی صاحب. شکل کچھ اور تھی اس کی, آئے نہیں, بری بات ہے. اچھا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک چیز کے آپ جن چیز کا ذکر کر رہے ہیں, سب سے زیادہ جو ایشوز رہے مہاجر علاقوں کی بات کریں, کچرا وہاں نہیں اٹھتا, پانی وہاں نہیں آتا, دیگر مسائل وہاں پر ہیں, مہاجروں کو نوکریوں کے بھی مسائل ہیں. اگر آپ نہیں سمجھتے کہ کیا مہاجروں میں بھی سوٹ بوجھ آئی ہے, اور اگر انہوں نے ووٹ کسی اور پارٹی کو دیا ہے تو آپ اس چیز کو کیوں سمجھتے ہیں, آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے, یا دیگر جماعتیں جو ایم کے ایم کی دیگر دھڑے ہیں اس چیز کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے کہ دیگر لوگوں کو بھی لے کر آئے اور چانس دینے کی کوشش کی گئی؟ مطلب آپ تحریک انصاف کو جو ووٹ پڑا ہے اس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں؟ تو دیکھیے اس ان 100 دنوں میں کون سی تبدیلی آ گئی, یا جو بھی ابھی یہ 50-60 دن گزرے ہیں کیا کوئی تبدیلی آ گئی, کون سے علاقوں کے اندر کوڑا اٹھ گیا؟ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ سبجیکٹ ہے پروونشل گورنمنٹ کا, صوبے کا سبجیکٹ ہے یہ, جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کا فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ بھی نہیں ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومت, ہم سب مل کر, دیکھیے جو میں وسیم اختر تو متحدہ قومی موومنٹ کا ہے نا, لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی میئر کو آپ نے اختیارات نہیں دیے ہوئے, میئر کو آپ پیسہ ریلیز نہیں کر رہے ہو,
آپ نے بلا وجہ کا ایک ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے کہ صاحب یہاں سے پیسہ جو ہے وہ باہر جاتا رہا ہے اور وہ الطاف کی سپورٹ ہوتی رہی ہے. آپ اس اکاؤنٹ کو آڈٹ کر لیجئے, آپ اس میں چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام قائم کر لیجئے. لیکن جو کراچی کا پیسہ ہے, جو کراچی کے شہری اپنے شہر کے صفائی ستھرائی اور یہاں کی ڈیولپمنٹ کے لیے میونسپل کارپوریشن کو دیتے ہیں, وہ فنڈ ان کے پاس ہونا چاہیے, وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہونا چاہیے. تو میں متحدہ قومی موومنٹ کو, میئر کو فیور کرتا ہوں نا, تو تمام لوگوں کو جو ہمارے مشترکہ ایشوز ہیں ان ایشوز کے اوپر ایک زبان ہو کر بات کرنی چاہیے. اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ سب لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور ان ایشوز کے اوپر بات کریں. ہمیں تحریک انصاف سے کوئی توقع نہیں کہ تحریک انصاف یہاں پر کوئی انقلاب لے کر آ جائے گی. آپ کے ماضی کے دوست ان کا پاس سے ایک جواب یہ آ رہا ہے جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ وہ بھی یو ٹرن لے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے ملک کے بارے میں نعرہ نہیں لگایا, پاکستان مردہ باد نہیں لگایا, میں نے سسٹم کے خلاف نعرہ لگایا. اب یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں جو کہ صحیح غلط ہو سکتی ہیں. اگر ان کو اس بیس کے اوپر ریلیف مل جاتا ہے, سوری ہو جاتی ہے, اور وہ آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ میں مہاجر قومی اٹھ بحال کر رہا ہوں, آفاق احمد بحال کر رہا ہوں, اور انہیں سب ریلیف ہو جائے اور سوری ہو جائے, اور وہ مہاجر قومی کو اگر وہ بحال کرتے ہیں, آفاق احمد کو دعوت دیتے ہیں اپنے پرانے ساتھی کو, تو کیا آپ کا ریلیف؟ اچھا, میرے الفاظ جو ہے وہ اس میں کہیں ٹوسٹ نہیں آنا چاہیے. الطاف حسین اگر پاکستانی پاسپورٹ پہ پاکستان آتے ہیں اور مہاجر پالیٹکس کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور متحدہ کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ ماضی میں بھی اپنی پارٹی کو ایڈ کرتے تھے, وہ اپنی پارٹی کو ایڈ کریں, ان کی پارٹی ان کے حوالے کر دیں گے. بس اب یہ میرے الفاظ جو ہے وہ گھومے نہیں. دیکھو پاکستان, اگر وہ پاکستان آئے گا اور پاکستانی پاسپورٹ پر آئے گا, تو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہہ دیتے ہیں, وہ ایکچولی آرمی ہے نا. ہم بلا وجہ مطلب اس کو ایک اس کا اسٹیبلشمنٹ کا نام پہنا کر ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ مین آرمی. تو ہاں, تو بھائی اگر آرمی اس کو پاکستان آنے کی اجازت دیتی ہے, تو اس کا مقصد ہے پاکستان آرمی نے کلیئرنس دے دی, اور جب آرمی نے کلیئرنس دے دی تو آفاق احمد کو کوئی قباحت نہیں ہے کہ وہ کہے بھائی ٹھیک ہے تیری پارٹی استعمال, ختم بات. ٹھیک ہے بھائی, جو مستقبل ہے وہ آپ کیا دیکھتے ہیں, جو سینریو نہیں, کیونکہ مہاجر قوم کے اندر میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اس میں صلاحیتوں کی کمی. دیکھیے, جو لوگ انڈیا سے جنہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ جا کہاں رہے ہیں, انہیں اپنے اوپر بھروسہ تھا اور وہ یہاں آئے اور اس ریگستان کو گل و گلزار بنایا. تو میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے, یہ اپس ڈاؤن پالیٹکس میں اور قوموں کے لیے آتے رہتے ہیں, اور قوموں نے یہ نشے و فراز دیکھیں, تو آج اگر کچھ پریشانیاں ہیں تو اس سے سیکھنے کا موقع بھی ملا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ان ٹھوکروں کے کھانے کے بعد سب لوگ پھر دوبارہ ایک جگہ جمع ہوں اور قوم جو ہے وہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ لوگوں کا شکریہ بہت بہت.